पर पूछने का काम करो, सुरजेवाला जी कहा है, शैलजा जी कहा है, किरण जी कहा है, कांग्रेस को पूरा तोड़ दो, लोहा गर्म है तोड़ा मार दो, गठबंधन के हमारे इस उम्मीदवार को, युवा साथी को बहुमत से जिताने का काम। ताओ ने जिस सोच के साथ ये हिंदी भाषी क्षेत्र बनाया, मैं मानता हूं कि 57 साल के सफर में ये प्रदेश इस देश के अग्रणी राज्यों में से एक बना। जी मंच पर बैठे प्रदेश भर के सांसदगण, विधायकगण, सम्मानित दोनों संगठनों के पदाधिकारीगण, मेरा छोटा भाई और आप सबका लाडला आपका भावी विधायक भाई भवे जी, और आदमपुर हलके के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी और खास तौर पर नाना नानियों, मामा मामियों, आदमपुर का एक रिश्ता मेरे साथ भी बेहद करीबी है और निरंतर आप सब ने उस रिश्ते को मजबूत करने का काम किया। और मैं तो अभी आते आते देख रहा था कैप्टन अभिमन्यु जी भी बैठे हैं, इनका भी रिश्ता आदमपुर के साथ बराबर का ही है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से आज आदमपुर ने एक मन बना रखा है, उस ताकत को और मजबूती के साथ अगले 48 घंटे दोनों संगठनों का एक एक कार्यकर्ता मिलकर आगे बढ़ाने का काम करे। और जो आदमपुर की जीत है, कोई 20 कह रहा है, 25 कह रहा है, 30 कह रहा है, मैं तो आपको यही विनती आग्रह के साथ आज कहना चाहूंगा कि एक नए रिकॉर्ड के साथ एक आदमपुर की धरा पर आयाम बनाने का काम। साथियों, आज 4 दलों के बीच में आदमपुर का चुनाव टीवी के हमारे साथी, अखबार के हमारे साथी दिखाते हैं। मैं तो इतिहास बता दूं विधानसभा का, एक दल के 1000 से कम वोट थे, दूसरे दल के 1994 वोट थे, मगर आज की परिस्थिति में अगर हम 2-4 हजार वोट की बात करें तो भी साथियों उनको खराब मत होने दो। नरमे को सीजन है, नरमे के अंदर तो झाड़ फूस जब पूरा भी सूख जाए तो भी चुगाई करी जाए, करी जाए को नहीं करी जाए, तो आज तो टिंडा तोड़ के एक एक संभालने की जरूरत है। जाओगा एक एक वोट ने पकड़ोगा तो मैं गारंटी दूंगी भव्य ने थे रिकॉर्ड वोटाओ जिताकर अपनो विधायक बनाऊंगा। साथियों, एक और सुनहरा अवसर है, कल ही मैं याद कर रहा था, विजेंद्र जी बैठे हैं, आज से 3-3.5 साल पहले मैंने, भव्य ने, विजेंद्र जी ने, तीनों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। विजेंद्र जी जीत के लोकसभा में चले गए, 6 महीने बाद मैं जीत के उचाणा से विधानसभा में चला गया। साथियों, भव्य पीछे रह गया था, ये मौका इसको भी मिल गया, इसको भी साथ के साथ विधानसभा में भेजने का काम। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, मैं अखबार पढ़ रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी का कल रात का बयान है कि सरकार की नींव हिला देंगे। 3 साल पहले कहने लगे थे 15 दिन में सरकार की नींव हिला दूंगा, फिर कहने लगे 6 महीने में सरकार की नींव हिला दूंगा, फिर कहने लगे साल में तो सरकार गिर देंगे, किसान आंदोलन में कहने लगे सरकार गिर गई। आज हमने 3 साल 28 तारीख को पूरे करे और इन 3 सालों में एक ही सोच के साथ आगे बढ़ने का काम किया है।
कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे ले जाया जाए, प्रदेश के अंदर उन्नति, प्रदेश के अंदर निवेश कैसे आए और प्रदेश को और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए। साथियों, आज आप उठाकर देखो, आदमपुर शहर में 3 रेलवे फाटक थे, आज तीनों के ऊपर केंद्र से हमने इन सालों में मंजूरियां करवाई। बाजरा वाला चालू हो गया, दड़ोली वाला बन रहा है और मंडी का अंडरपास जैसे दोनों फ्लाईओवर कंप्लीट होंगे उसको हम शुरू कर देंगे, 6 महीने में उसको भी कंप्लीट कराने का काम। हाल बात समझ से हिसार चले जाओ, वहां फ्लाईओवर बन रहा है। ये प्रगति है। निवेश बहुत होता है मगर इस सोच के साथ कि निवेश से हरियाणा की जनता की प्रगति हो, इस सोच के साथ आपकी सरकार ने काम किया। साथियों, आज मंडी में बैठे मैं भी सीएम साहब को कह रहा था, प्रोक्योरमेंट पीक पर है। आज चाहे दाल की हो, चाहे वो नरमे की हो, चाहे वो जीरी की हो, किसान दो दो तीन तीन दिन मंडी में सोया करता था जब जाकर फसल उगती थी। मेरे को वो दिन भी याद है, आज से 5-6 साल पहले इसी किनारे में मंडी के कई आढ़तियों ने धरना चलाया, बतौर सांसद हम भी आके बैठे, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा कि उठान नहीं हो रहा, भाव नहीं मिल रहा। आज सरकार ने 1 नहीं 13 चीजों पर MSP देने का काम किया है। और साथियों, नतीजा देखो कि आपके इस मंडी के शेड के नीचे एक दाना अनाज का या एक फूस नरमे का नहीं पड़ा, सरकार ने तुरंत खरीद कर भंडारणों में उसको भिजवाने का, फैलों में उसको भिजवाने का काम किया। और केवल मात्र उठान उठान ही नहीं, एक चीज और देखो, मैं कल बालसमंद में कह रहा था, एक किसान बाजरा लेके आया 2 हफ्ते पहले, गोयल साहब थे, 1,09,000 गोयल साहब के खाते में हरियाणा सरकार ने 48 घंटे में ट्रांसफर कर उसके पैसे की पूरी भरपाई करने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, जिस सोच के साथ हमने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उस सोच के अंदर हिस्सेदारी और मजबूती देना चाहते हो तो आज आप सब मन बनाकर गठबंधन के हमारे इस उम्मीदवार को, युवा साथी को 3 तारीख को भारी बहुमत से जिताने का काम करोगे। और जहां बात कांग्रेस की है, भ्रम बहुत फैला रहे हैं, गांव उधर जाकर नींव हिलाने की बात कर रहे हैं। इनका एक नेता तो देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक कहता है भारत जोड़ो यात्रा। मैं तो कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, पहले पार्टी जोड़ो यात्रा निकालने का काम कर। आदमपुर में चुनाव है, बाबू बेटों ने पूरा जोर लगा रखा है, मगर पूछने का काम करो, सुरजेवाला जी कहाँ है, शैलजा जी कहाँ है, किरण जी कहाँ है। और तो और, जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते आज वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। ये कांग्रेस थकी भी है, मरी भी है। साथियों, इस कांग्रेस को पूरा तोड़ दो, लोहा गरम है तोड़ा मार दो। और मौका जब ही आएगा जब 3 तारीख को एक एक साथी अपना एक एक कीमती वोट भव्य के पक्ष में डालकर गठबंधन के उम्मीदवार को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करोगे। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलूंगा कि प्रदेश के अंदर प्रगति के अंदर हर हलके को बराबरी हिस्सेदारी देने का निर्णय हमने लिया और आज उसका नतीजा है। मैं सड़कों की बात कर लूं तो आदमपुर के अंदर लगभग 100-125 करोड़ की सड़कें हम बना चुके हैं और 70-75 करोड़ की सैंक्शन है और 2-4 कोई रहेगी उसको भी तुरंत लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से सीएम साहब आपको आगे बता देंगे
चाहे वो अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के अंदर बाल संबंद के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात हो, कई ऐसी चीजें हैं जो प्रदेश सरकार ने आदमपुर चाहे विपक्ष में रहा हो तो भी बनाने का काम किया, और अब तो सत्ता में हिस्सेदारी डालोगे तो दुगुनी गति से आगे बढ़ाकर और आगे ले जाने का हम काम करेंगे। महत्वपूर्ण आपको दोबारा इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार मौका है, इस थकी मरी कांग्रेस को पूरा तोड़ दो और एक एक अपना वोट देकर हमारे इस युवा साथी को विधानसभा में भिजवाकर अपनी हिस्सेदारी बनाने का काम करो। करोगे कौन नहीं करोगे? देख लो कहीं आजमपुर वाला आज हटा लो, पोलिंग वाले दिन एक एक वोट की चुगाई करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। करोगा कौन नहीं करोगा? आप सब आए पूर्ण, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद।